अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति जिन्होंने कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं नामों का भी यहां पर उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूं। सौगत राय जी, राजेंद्र अग्रवाल जी, अहलवालिया जी, भरतहरि जी मेहताब और हमारे अरविंद जी सामंत, मोहम्मद सलीम साहब, मुलायम सिंह जी यादव, श्री बद्रुद्दीन अजमल साहब और मिस्टर कुट्टी एंड श्रीमती विजया चक्रवर्ती जी, जयप्रकाश जी, असाउद्दीन ओवैसी साहब, पप्पू यादव और सुनील सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अच्छा हाँ, अभी श्रीमती मीनाक्षी लेखी अध्यक्ष महोदय, इन सब जो भी प्रश्न इनके द्वारा खड़े किए गए हैं उनका जवाब देने के पहले मैं असम के संबंध में कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं असम की जनता से यह अपील करना चाहता हूँ कि यह जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है, इसको लेकर जो तरह तरह की आशंकाएं, तरह तरह के भ्रम वहां पर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वह पूरी तरह से निर्मूल हैं, निराधार हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो असम के लोग हैं उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस, उनकी लिंग्विस्टिक, उनकी कल्चरल, यह आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और इसके प्रति हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सिटीजनशिप के कारण जैसा एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि सारा का सारा बर्डन असम के ऊपर आने वाला है, तो इस बर्डन को केवल असम नहीं वहन करेगा बल्कि इस बर्डन को पूरा देश वहन करेगा, यह भी मैं असम के रहने वाले लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज जो हिंदू मुस्लिम इन सब सारी चर्चाएं होती हैं तो सचमुच मैं बताऊं कि हमारे जैसे व्यक्ति को इससे पीड़ा होती है। अच्छा रहा होता कि 1947 में हमारे भारत का मजहब के आधार पर विभाजन न हुआ होता, सबसे बेहतर तो वही रहती है और अखंड भारत हमारा यह रहता और दुनिया का यह साख सबसे ताकतवर देश के रूप में हमारा यह अखंड भारत रहता। और आप जानते हैं कि एक विडंबना ही रही है कि भारत का विभाजन हुआ है, और भारत का विभाजन हुआ है तो मजहब के आधार पर हुआ है। चाहे पाकिस्तान के नेता रहे हों अथवा हिंदुस्तान के नेता रहे हों, सबको इस बात की चिंता थी कि जो भी माइनॉरिटी जिस भी देश में होगी उसके साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न अथवा उसका जो है रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। जब इस चिंता को लेकर एक पैक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के थे उनके बीच हुआ था, और साथ ही साथ जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो उस समय शेख मुजीबुर रहमान साहब और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बीच भी यह समझौता हुआ था कि जो आप यहां माइनॉरिटी हैं उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हर प्रकार का संरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं यह सब सारे समझौते होने के बावजूद वहां की जो माइनॉरिटीज को जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था अथवा जो एक समान अधिकार मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। बड़ी संख्या में लोग वहां अपने पाकिस्तान को, अब बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब सारे देशों को छोड़कर भारत में आने को मजबूर हुए हैं। अब सवाल यह है कि भारत का विभाजन यदि मजहब के आधार पर हो गया तो जाए कहां, किस धरती पर उनको शरण मिलेगी। और जो यह कहा जा रहा है, सौगत राय साहब ने जो यह बात कही है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण भारत आने वाले मेजॉरिटीज को भी सिटीजनशिप क्यों नहीं दिया, तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी परसिक्यूटेड के लिए 2011 दिसंबर की एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को उठाकर देखें, उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा दिया जा सकता है और पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा ही नहीं दिया जाता है बल्कि भारत में पाकिस्तान के लोगों को सिटीजनशिप भी दी जाती है। तो यह कहना कि रिलीजन के बेसिस पर यह कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या धर्म अथवा मजहब के आधार पर या कोई भेदभाव पैदा करने वाला यह बिल है, मैं समझता हूं कि यह पूरी तरह से यह बात निराधार है, असत्य है। और पाकिस्तान के रहने वाले जो भी हैं लोग हैं, सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6 के अंतर्गत सिटीजनशिप भी दी जा सकती है,
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मेजॉरिटी समुदाय के लिए इंडियन सिटीजनशिप बैंड नहीं है अध्यक्ष महोदय, केवल इन्हें सिटीजनशिप एक्ट के तहत एलिजिबल होना पड़ेगा। हर साल बड़ी संख्या में मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को भी भारत में इंडियन सिटीजनशिप मिलती है, आज से नहीं मिल रही है, जब से भारत आजाद हुआ है तब से लगातार ये सिटीजनशिप मिल रही है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय इस सदन का, कि धार्मिक आधार पर जो उत्पीड़न का सिलसिला 1947 से जो प्रारंभ हुआ, कितने बड़े दंगे हुए, लाखों की संख्या में लोगों की जाने गई, चाहे वो हिंदू हो अथवा मुसलमान हो, उससे हम सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। इन सब सारी चीजों को लेकर, चाहे पाकिस्तान का नेतृत्व रहा हो अथवा भारत का नेतृत्व रहा हो, सभी लोग चिंतित थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को जो कुछ भी कहा था, मैं उसे यहां पर मैं कोट करना चाहूंगा। वी थिंक ऑल्सो ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम अस बाई पोलिटिकल बाउंड्री एंड हु अनहैपली कैन नॉट शेयर एट प्रेजेंट इन द फ्रीडम दैट हैज कम। दे आर ऑफ अस एंड विल रिमेन ऑफ अस वॉट एवर मे हैपन एंड वी शैल बी शेयर्स ऑफ देयर गुड एंड इल फॉर्च्यून अलाइक। देयर इज नो डाउट ऑफ कोर्स दैट दोज डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हु हैव कम टू सेटल इन इंडिया आर बाउंड टू हैव देयर सिटीजनशिप। इफ द लॉ इज इनएडिक्वेट इन दिस रेस्पेक्ट द लॉ शुड बी चेंज्ड। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अध्यक्ष महोदय। मैं श्रीमती सुचेता कृपलानी ने 1950 में संसद की एक बहस के दौरान जो कुछ भी कहा था, मैं उसका भी यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं। वी कैन नॉट डिनाई अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दोज पीपुल, यानी दैट इज हिंदूज, अब इस पाकिस्तान की बात उन्होंने कही थी। वी कैन नॉट डिनाई अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दोज पीपुल, दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दे फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, बट टूडे अनफॉर्चुनेटली दे हैव बीन लेफ्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया। वी नो दैट पाकिस्तान हैज बीन फॉलोइंग ए सिस्टमेटिक पॉलिसी बाई विच हिंदूज हैव बीन ग्रेजुअली पुश्ड आउट। इफ हिंदूज ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान आर पुश्ड आउट, दे विल हैव टू फाइंड शेल्टर। वी कैन नॉट क्लोज अवर आईज टू दैट फैक्ट। इवन इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर अवर इकोनॉमी टू सपोर्ट इट, वी हैव टू गिव शेल्टर टू दोज शेल्टरलेस पीपल, इट इज मॉरल ऑब्लिगेशन। ये सुचेता कृपलानी ने 1950 में कहा था। वैसे ही कई संसद सदस्य ने जो कुछ भी कहा था, बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन पंजाब के एक सांसद थे, बड़े प्रखर सांसद माने जाते थे, भूपेंद्र सिंह जी मान, मैं उनका भी यहां पर कोट करना चाहूंगा। नॉट ओनली नाउ बट एट एनी फ्यूचर डेट, इफ ड्यू टू सिविल डिस्टर्बेंसेज हैपनिंग देयर और इफ दे फाइंड दैट देयर स्टे इज सो अनकंफर्टेबल एंड पोलिटिकल कंडीशन आर सच दैट नो पर्सन विद ऑनर कुड स्टे ऑन, दे शुड बी परमिटेड टू कम ओवर हियर। यह पंजाब के एक सांसद थे, उन्होंने कहा था। तो मैंने यह सब सारी चिंताएं यह पहले भी लोगों की रही हैं, तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं इसे किसी दूसरे नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी किया गया है यह असम और नॉर्थ ईस्ट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर भी किया गया है, और जो जो भी कमिटमेंट्स पहले से असम के लिए थे वह सारे कमिटमेंट्स को हम पूरा कर रहे हैं। क्लाज 6 का जहां तक सवाल था उसके बारे में भी हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं। वहां के 6 जो मेजर कम्युनिटीज हैं उनको जो ट्राइबल स्टेटस देने की बात थी उस संबंध में भी हम लोगों ने फैसला कर दिया है। क्योंकि इन सब सारी बातों की चर्चा मैं कर चुका हूं इसलिए उसको दोहराना नहीं चाहता। इसके अतिरिक्त बोडो और कचारी एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कि इनको भी ट्राइबल स्टेटस दिया जाना चाहिए, उनको भी हम ट्राइबल स्टेटस दे रहे हैं। और एक प्रश्न यह खड़ा किया गया था, इस बिल में महताब साहब ने किया था कि इस बिल में बांग्लादेश को क्यों शामिल किया गया है। मैं मानता हूं कि बांग्लादेश की इस समय की गवर्नमेंट है वह माइनॉरिटीज के साथ माइनॉरिटी को जितना मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए वह दे रही है, अपनी तरफ से भरपूर उसकी कोशिश है, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की नापाक हरकतें हो रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज हैं उनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है। इस कारण यह फैसला करना पड़ा है और कोई दूसरा कारण नहीं है। भर्तहरि महताब साहब ने एक सवाल और उठाया था कि बिल में असमी शब्द क्यों यूज किया गया है।
इसकी जगह क्यों ना इंडिजिनस असमी शब्द यूज किया है। अच्छा उसी, उसी में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, क्लास सिक्स के लिए जो हाई लेवल कमेटी जो गठित की गई है वो उसमें असमी शब्द यूज किया गया है, न कि इंडिजिनस पीपुल। इसका कारण यह है कि असम एकॉर्ड में असमीज पीपुल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है, न कि इंडिजिनस पीपुल। इस कारण इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यह मैं केवल आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। और एक सवाल यहाँ पीके कुट्टी जी ने जो उठाया था, यह बिल आर्टिकल 14 और असम एकॉर्ड के वायलेशन में है। तो अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, यह बिल पहले भी कर चुका हूँ, पुनः मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि यह बिल असम स्पेसिफिक नहीं है। यह पूरे भारत के लिए तीन देशों की छह माइनॉरिटीज के माइग्रेंट्स को इंडियन सिटीजन बनाने के लिए एनेबल करता है। वे इंडियन सिटीजन बनने के बाद पूरे भारत में कहीं भी काम कर सकते हैं और कहीं भी स्टे कर सकते हैं, केवल असम में ही नहीं। बद्रुद्दीन अजमल साहब ने, एक कद्दावर नेता है वो असम के, उन्होंने कहा है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है, धर्म के आधार पर ही यह बिल। संविधान के खिलाफ कैसे है? संविधान के खिलाफ यदि होता तो मैं समझता हूं कि हम लोग इस बिल को लेकर यहां नहीं आते। पार्लियामेंट को अधिकार है अध्यक्ष महोदय रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने का। आर्टिकल 14 ऐसी क्लासिफिकेशन को अलाउ करती है। आर्टिकल 25 के तहत कोई भारतीय अपना धर्म प्रैक्टिस प्रोपगेट और प्रोफेस कर सकता है। इस बिल में इस फंडामेंटल राइट के बारे में कोई एडवर्स बात नहीं है, अतः यह आर्टिकल 14 व 25 के विरोध में नहीं है, जो कुछ भी है वह संविधान के अनुरूप है। सलीम साहब ने एक बात यह कही है, पूछा है कि सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन पहले ही क्यों बन गया। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न पूछने के पीछे आपकी मंशा यह रही होगी कि जो पासपोर्ट रूल्स में जो अमेंडमेंट हुए थे और साथ ही साथ एक फॉरेनर्स ऑर्डर्स 1948 में जो अमेंडमेंट्स हुए थे उसी को लेकर आपने यह प्रश्न पूछा था। तो यह अमेंड किए गए थे वह इसलिए, इससे इन छह माइनॉरिटीज पर भारत में प्रवेश और स्टे लीगलाइज हुआ है, इस कारण उस समय किया गया था। पहले वह इलीगल माइग्रेंट्स थे, लीगलाइज करने के लिए यह किया गया है, परंतु इनकी सिटीजनशिप के बारे में कोई रूल नहीं था, इसलिए सिटीजनशिप एक्ट में सिटीजनशिप एक्ट में नहीं बदला गया। इस एक्ट में बदलाव के लिए ही प्रेजेंट बिल इस संसद के समक्ष यहां पर लाया गया है। यहां पर कहा गया है कि एक दो माननीय सदस्यों ने यह भी सवाल खड़ा किया कि आप हिंदू को दे रहे हैं, बौद्ध को दे रहे हैं, सिख को दे रहे हैं, जैन को दे रहे हैं, ये बात तो समझ में आ रही है, क्रिश्चियंस को क्यों दे रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, भारत का जो भी कभी मूल निवासी रहा है, भले ही वह क्रिश्चियन हो, यदि उसका भी पाकिस्तान बांग्लादेश अथवा अफगानिस्तान में रिलीजियस परसिक्यूशन होता है तो भारत उसको भी सिटीजनशिप देगा, उसके प्रति कमिटेड। इससे बड़ा और दूसरा सेकुलर बिल और क्या हो सकता है? और इस बिल को कहा जा रहा है कि भारत में क्रिश्चियंस भी हजारों वर्ष पहले रहे, हजारों वर्ष पहले, तो यहां जो रहे हैं पहले, भारत का विभाजन होने के पहले, तो इसलिए हम उनको दे रहे हैं। भारत छोड़ कर भी गए हैं, इसलिए हमको दे रहे हैं। इसलिए यह कहना कि ये रिलीजन के बेसिस पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का आरोप कदापि उचित नहीं कहा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इन देशों की माइनॉरिटीज के लोग भारत न आकर वहीं अपने देशों में शांति और सम्मान के साथ रहें, यह हमारी मंशा है, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा न होने के हो पाने के कारण ही ऐसा सब कुछ करना पड़ा है और यह बिल लेकर यहां पर आना पड़ा है। मैं एक बार राज्यसभा में एक चर्चा हो रही थी, उसका भी मैं यहां पर उल्लेख अध्यक्ष महोदय मैं जरूर मैं करना चाहूंगा। डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के थे, उन्होंने जब
एक बार 18 दिसंबर 2003 को पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा में उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने इस विषय पर बोलते हुए कहा था, चर्चा चल रही थी उस समय, व्हाइल आई एम ऑन दिस सब्जेक्ट मैडम आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्यूजीज आफ्टर द पार्टीशन ऑफ अवर कंट्री द माइनॉरिटीज इन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश हैव फेस्ड प्रोसिक्यूशन, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है, एंड इट इज अवर मॉरल ऑब्लिगेशन दैट इफ सर्कमस्टांसेज फोर्स पीपुल दीज अनफॉर्चुनेट पीपुल टू सीक रिफ्यूज इन अवर कंट्री अवर अप्रोच टू ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू दीज अनफॉर्चुनेट पर्सन शुड बी मोर लिबरल, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा उस समय कहा था। हम तो आई सिंसियरली होप दैट द ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी अडवाणी जी उस समय थे, ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विल बियर दिस इन माइंड इन चार्टिंग आउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विद रिगार्ड टू द सिटीजनशिप एक्ट, ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय ही कह दिया, हम कहां उससे अलग हटकर कोई कदम उठा रहे हैं। इस पर डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा ने क्या कहा था, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा ने कहा था कि मिस्टर अडवाणी द माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान आर ऑल्सो सफरिंग दे हैव टू बी टेकन केयर ऑफ टू, उन्होंने कहा था। मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य तत्कालीन सदस्य थे उनकी बात का भी यहां पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन समय ज्यादा लगेगा अध्यक्ष महोदय, इसलिए यहीं पर मैं छोड़ देता हूं। मैं अंत में जो बात मैंने पहले कही थी उसी बात को फिर से दोहराना चाहता हूं, इसलिए दोहराना चाहता हूं क्योंकि उसको लेकर तरह तरह की शंकाएं पैदा की जा रही हैं, गलतफहमी हमारे असम और नारसीस के लोगों के अंदर जो है पैदा की जा रही है, कि मैं असम के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लंबे समय से माइग्रेशन के कारण जो बर्डन है वह केवल असम की जवाबदेही नहीं रहेगी, इस बर्डन को शेयर करना पूरे देश की जवाबदेही है और हम इसमें असम के लोगों के साथ खड़े रहेंगे, यह भी मैं विश्वास दिलाता हूं। इसके लिए असम की जितनी भी मदद करनी होगी की जाएगी। आज भी यदि कोई गलतफहमी है असम के रहने वाले लोगों के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोगों के अंदर, मैं कहना चाहता हूं कि हम उनसे बात करने के लिए, खुले तौर पर बात करने के लिए अध्यक्ष महोदय पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी बात को हम सुनेंगे, उनके जो भी ग्रीवेंसेस होंगी उनका हम समाधान भी निकालेंगे। इसलिए हमने न केवल एनआरसी की प्रक्रिया को उसके अंजाम तक ले जाने का काम किया बल्कि असम अकॉर्ड के क्लास 6 को लागू करने के लिए भी हम पूरी तरह से कमिटेड हैं, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी से हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है और जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे ताकि असम की कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी सुरक्षित रह सके और असम का बर्डन पूरे देश की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं पूरे सदन से यह अपील करना चाहूँगा, कृपया इस महत्वपूर्ण बिल को वह यहाँ पर अपना समर्थन दें ताकि यह बिल पास हो सके। धन्यवाद।